हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। पूनम चौधरी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ पाव भाजी। बच्चों की कई दिन से फरमाइश हो रही है कि मम्मी पाव भाजी बना दो, तो आज बच्चों की फरमाइश पूरी की जाएगी। रोज़ बच्चों को तो कुछ ना कुछ नया चाहिए, पर अब मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को बाहर से कुछ ना ला के दूँ, अपना घर पर ही मोस्टली बना के देती हूँ सारी चीज़ें। तो आज मैं बनाऊंगी पाव भाजी। और वैसे तो भव्या कहीं नहीं जाती है, पर आजकल स्कूटी चलाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है इसका। अभी अभी नई नई सीखी है तो बच्चों को क्रेज़ रहता ही है। तो सारी सब्जियाँ ला के रख दी हैं कि मम्मी सामान मैं ला के दे दूँगी, आप जल्दी से बस बना दो। तो मैं आप चलती हूँ। ये आलू छील लिए मैंने, 5-6 आलू छील लिए हैं और इन्हें अब उबलने के लिए रख रही हूँ। साथ में मटर भी उबालूँगी, तो ये दोनों चीज़ उबलने रख देती हूँ। तो मैंने मंगाई हैं ये सफल मटर जो होती हैं, इनको मंगाया तो थोड़ी सी पहले पानी में भिगो के रख देती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही हैं ये, तो थोड़ी 2-4 मिनट पानी में भिगो के और फिर इनको मैं उबलने रख देती हूँ आलू के साथ धुल के अच्छे से। तो फिर ये दोनों चीज़ उबल जाएंगी। जब तक ये दोनों चीज़ बॉयल होती हैं तब तक मैं और सब्ज़ी काट लेती हूँ। शिमला मिर्च और गाजर मंगाई थी मैंने, वे दोनों कट करके रख लेती हूँ। प्याज टमाटर ये सब चीज़ें, फिर उसके बाद मैं पाव भाजी बनाती हूँ। तो ये सारी सब्जी कट कर ली है और ये मेरे आलू भी उबल गए थे, आलू और मटर, इनको भी मैश करूँगी अभी। मैं इसको खाली बटर में बनाऊँगी, तो मैं इसमें 2-2.5 चम्मच बटर डाल देती हूँ और फिर इसमें थोड़ा हींग, जीरा और उसके बाद प्याज और हरी मिर्च, ये सब चीज़ डाल के ऊपर से मैंने देगी मिर्च डाली है थोड़ा रंग देने के लिए। और टमाटर भी मैंने हल्के से पीस लिए थे, तो इसमें अच्छे से ज़्यादा बारीक भी नहीं होते और सही हो जाता है। तो वैसे नहीं तो टमाटर अलग अलग दिखते हैं, तो ये मैंने टमाटर भी इसमें डाल दिए हैं। और फिर इसके बाद मैं सारी मसाले इसमें ऐड कर दूँगी। मेरे पास पाव भाजी मसाला नहीं था, तो मैंने किचन किंग सब्जी मसाला ही डाल दिया है इसमें। किचन किंग सब्जी मसाले का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अगर मान लो तुम्हारे पास पनीर के बना रहे हो तो तब भी इसमें डाल सकते हो छोलों में। तो मुझे तो इससे हर चीज़ में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, कलर भी अच्छा आता है। तो फिर मैं तो किचन किंग मसाला हमेशा रखती हूँ अपने पास। तो ये मैंने किचन किंग मसाला भी डाल दिया है और इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रखने के बाद इसमें मैं शिमला मिर्च और गाजर भी डालनी है अभी, क्योंकि आलू और वो तो मैंने उबाल लिए थे पर ये शिमला मिर्च और गाजर नहीं उबाली थी आज। तो इसमें मैं इनको ऐसे डाल के थोड़ा पानी डाल के इनको हल्का सा, जिससे कि ये गल जाएं, तो थोड़ा ढक के रख देती हूँ 5-10 मिनट के लिए और फिर इनको अच्छे से मैश कर लूँगी सब चीज़ों को। तो ये मैंने इसमें आलू मटर भी डाल दिए हैं, फिर अब सारी चीज़ को इससे मैश कर लेती हूँ एकदम बारीक, मतलब पूरा मैश हो जाना चाहिए। तो ये देखो इस तरह मैश हो गया है। ऊपर से मैंने कसूरी मेथी डाल दी है, तो इससे और भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। कसूरी मेथी डाल दो, हरा धनिया डाल दो, फिर ऊपर से थोड़ा सा बटर डाल दिया और हमारी पाव भाजी बनके तैयार हो चुकी है। बस अब इसको गैस बंद कर देती हूँ और हमारी भाजी तैयार है, बस पाव सेकने बाकी हैं। तो बच्चों की फरमाइश पूरी कर दी आज। भव्या का फिर कल एक डांस प्रोग्राम है, तो वो कल को डांस है, तो उसकी ड्रेस लेके आई थी। अब ये पहन के देखिए, इसने जो इसको ड्रेस पहननी है प्रोग्राम में तो टाइट है, इसे मुझे लूज़ करना है। ये जो प्रोग्राम की ड्रेस आती हैं ये फ्री साइज होती हैं, तो इनको अपने हिसाब से लूज़ टाइट करना पड़ता है। तो भवी का मुझे थोड़ा ये बहुत ज़्यादा टाइट आ रही है, तो इसकी जो सिलाई लगी हुई है वो थोड़ा उधेड़ देती हूँ, तो फिर उससे सही हो जाएगा। सुबह को उसको पहन के जानी है। अब पाव सेकने हैं, तो भव्या बोल रही है कि मम्मी मैं सेकती हूँ थोड़े से, तो मैंने कहा चलो भाई तुम्हें सेक लो। तो ये भव्या सेकेगी इनको, आज इसकी ड्यूटी है। अपना आपने ही बोला है, बस बच्चे तो अपने मन के होते हैं, जब मूड होता है इसका तो कर लेती है, नहीं तो नहीं करती। काम तो सारा आता है इसको, और मन इसको किचन का काम करना अच्छा भी लगता है, पर अपने मूड की अलग ही है। तो अब मन कर रहा है इसको खुद को खाने है, तो फिर लाओ मम्मी मैं कर देती हूँ। तो थोड़े से इसने सेके हैं, फिर ये अपना ले के बैठ गई थी, फिर बाद लास्ट के मैंने बनाए। तो अभी देखो कैसे, तो
खाने का काम हो गया है सबका, मैंने भी खा लिया और मम्मी जी ने भी खा लिया है। सारा काम करने के बाद किचन साफ कर दी है सारी किचन, और आज बर्तन भी साफ कर दिए हैं क्योंकि कल को मेरी काम वाली नहीं आएगी। उसने बोला था दीदी मुझे कल को दवाई लेने जाना है, तो मैंने कहा भाई चलो कोई बात नहीं है। तो ये जो दिया जो है ना, इससे जैसे कढ़ाई तवा बहुत अच्छे से साफ होते हैं बर्तन, मैंने सारे भी। तो अब मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। 9 o'clock हो चुका है, आज मेरा काम वैसे भी टाइम से निमट चुका है, नहीं तो काफ़ी 9:30 तो बज ही जाते थे। तो अब हम इसको करते हैं बंद, तो आप मेरे ब्लॉग को देखते रहिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट बाय।